तो वेलकम बैक टू अ न्यू सरप्राइज वीडियो। आज इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि पुनीत सुपरस्टार के बारे में। आप लोग थंबनेल देख के समझ गया होगा मैं किस टॉपिक में बताने वाला हूँ। इस ब्लॉग में आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को मैं समझाने चाहता हूँ कि जैसे आपको बिग बॉक्स में पुनीत भाई पुनीत सुपरस्टार गए थे, उसने जब एंट्री लिया था उसने मैं एमसी स्टैंड ने क्या कहा था उसको कि आपकी कंटेंट को कंटेंट नहीं समझते लोग, आप लोग उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो उसके बाद में पुनीत सुपरस्टार ने क्या जवाब दिया था कि मैं लोग जो भी बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जो भी समझे मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बताता हूँ, हंसाने के लिए बनाता हूँ कंटेंट और मैं यही करते रहा हूँ यही करूँगा। उसके बाद एमसी स्टैंड के साथ क्या हुआ, जो पुनीत भाई सुपरस्टार के जो जितने मतलब फैन फॉलोइंग हैं जितने चाहने वाले वो जाके एमसी स्टैंड के कमेंट करने लगे, इतने गंदी गंदी गालियाँ देने लगे उसको करने लगे। उसके बाद एमसी स्टैंड ने क्या कहा, पुनीत सुपरस्टार को फोन कर मैसेज करके कहा कि पुनीत भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने उसमें स्क्रिप्ट में ऐसा कहा था, वो क्लिप में आप लोगों को दिखा रहा था, पहले वो क्लिप देख लीजिए उसके बाद मैं आप लोग से थोड़ा बात करता हूँ। कंटेंट को क्रिंज बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या नहीं, इससे बड़ी आयरनी हो ही नहीं सकती। पहले तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तू मेरे कंटेंट को क्रिंज बोल रहा है तो तू पहले अपना गाना देख, उसका गाना कितने परसेंट लोग सुनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 90% गरीब रिक्शे वाले ठेले वाले कबाड़ी और सुनो गरीब लोग हैं, ये बात तो मानते हो, और वो अपनी वीडियो में माँ बहन की गाली देता है ये तुम्हें पता होगा। और आज मेरे पे उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा, और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया है क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो एमसी स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है, तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। मैं भी ऐसा हो सकता है, आपने क्लिप तो देख ही लिया होगा, क्लिप देख के आप लोगों को समझ आएगा कि पुनीत सुपरस्टार को किस तरह एमसी स्टैन ने मैसेज करके कहा कि मेरे लिए एक वीडियो बनाओ और पब्लिक को बताओ कि मैंने नहीं किया, वो स्क्रिप्ट था इसलिए मैंने कहा था। तो मैं आप लोगों को वही समझाना चाहता हूं कि देखिए पुनीत सुपरस्टार कितने कम थे नीचे, अभी कितने ऊपर उठ गए, उससे देखिए कामयाबी छू के आती है आपके पास, दौड़ के आती है आपके पास। क्यों, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तो कामयाबी आपको पीछे नहीं आएगी। अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे, अगर करते रहेंगे, ब्लॉग बनाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे तो कामयाबी आप लोगों को पीछे झक मार के पीछे आएगी, मैं आप लोगों को एक गारंटी के साथ कहता हूँ, झक मार के आप लोगों को पीछे आएगी। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जैसे पुनीत सुपरस्टार डेली के डेली वीडियो बनाते जा रहा था अजीब करा के उसको, कितने लोगों ने उन लोगों को पीट के मारा भी, कितने लोगों ने मारा भी उससे, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू जारी रखा, आज के टाइम पर वो यूट्यूबर नंबर 1 अभी कहला रहा है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रगल किया, इतना सारा वीडियो बनाया, उसने हार नहीं माना। वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ना आप कभी हार मानिएगा, ना कभी किसी को हार मान दीजिएगा, को आपके सामने कोई छोटा यूट्यूबर भी हो तो कभी भी हार मानने मत दीजिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमेशा आप लोग वीडियो बनाए, हमेशा स्ट्रगल करें, स्ट्रगल करने में आप लोगों का भाई है और जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी के लिए बाय, अभी के लिए इतनी वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।